दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे घरों में जो पानी की मोटर होती है वह एक महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च करती है और उसका एक महीने का बिजली का बिल कितना आएगा। दोस्तों, इस मोटर को आम बोलचाल की भाषा में टुल्लू मोटर या मोनोब्लॉक मोटर भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम 1 HP की जो ये हमारी मोटर होती है उसका यूनिट कंजप्शन और बिजली का खर्च पता लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल यूनिवर्सल लाइनमैन पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनिट कंजप्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें HP को वाट में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 HP को वाट में चेंज करते हैं। हमारी जो 1 HP की पानी की मोटर होती है वह 746 वाट की होती है। अब हम इस 746 वाट को किलोवाट में बदलेंगे। दोस्तों, तो इस 740 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा कि हमने इसे 1000 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है और 1 किलोवाट का लोड जब हम कंटिन्यू 1 घंटे तक चलाते हैं तो हमारी 1 यूनिट खर्च होती है, इसलिए हमने इसे किलोवाट में चेंज किया है। और हमारा फॉर्मूला भी यही होता है दोस्तों, KWH यानी कि किलोवाट आवर। तो हम इसको किलोवाट में चेंज कर लेते हैं। 746 अपॉन 1000, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.746 किलोवाट। इसको हमने किलोवाट में क्यों चेंज किया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आपको मैंने जैसे बताया है, हमारा फॉर्मूला होता है KWH यानी कि किलोवाट हावर यानी किलोवाट घंटा। अब मान लीजिए हम पानी की मोटर को रोजाना औसतन 2 घंटे चलाते हैं, जैसे कि आप पानी की मोटर को दिन में 2 टाइम चलाते होंगे, जैसे कि 1 घंटा सुबह 1 घटा शाम को। तो अब हम इस 0.746 वाट से एक दिन का यूनिट कंजप्शन निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें करते हैं हम 0.746 गुने 2 यानी कि 2 हमारे घंटे हैं यहाँ पर, बराबर कितना आएगा 1.492 यानी कि 1.492 किलोवाट हावर। ये हमारी एक दिन की यूनिट कंजप्शन है, यानी हमारी पानी की मोटर एक दिन में कितने KW यूनिट बिजली खपत करेगी, 1.492 यानी कि लगभग 1.5 यूनिट खर्च करेगी। ये 1.492 यूनिट एक दिन की है। तो अब हम इसे एक महीने की यूनिट का खर्च निकाल सकते हैं। एक मंथ में 30 दिन होते हैं, आइए देखते हैं। अब हम करते हैं 1.492 गुणे 30 बराबर, अब क्या आएगा देखते हैं, इसको गुणे करके देखते हैं क्या आता है। इसका आता है दोस्तों 44.76 KWH। ये 44.76 KWH हमारा एक महीने का यूनिट कंजप्शन आ गया है दोस्तों। मतलब जो हमारी पानी की जो 1 HP की मोटर है वह एक मंथ में 44.76 KW यूनिट खर्च करेगी, लगभग आप 45 यूनिट भी समझ सकते हैं दोस्तों। इससे आगे क्या करना है हमें, अब हम इस 44.76 यूनिट से बिजली के खर्च को निकालेंगे, देखते हैं कैसे। वैसे तो दोस्तों यूनिट चार्जेज हर स्टेट में अलग अलग होता है, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं आपको यहाँ के हिसाब से बताता हूँ। दोस्तों, राजस्थान में प्रति यूनिट चार्जेस लगभग 8 से 8.5 रुपये होता है दोस्तों। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं एक महीने का बिजली का खर्च। तो अब हम 44.76 को गुणे करेंगे 8.5 रुपये से यानी कि 8.50 से, तो हमारा एक महीने का बिजली खर्च आएगा 380.46 रुपये। तो जब हम 1 HP की मोटर को प्रतिदिन 2 घंटा चलाते हैं तो हमारा एक महीने का बिजली खर्च कितना आता है दोस्तों, 380.46 रुपये। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने घर की भी पानी की मोटर का बिजली का खर्च निकाल सकते हैं। यदि आप रोजाना 3 घंटे या 4 घंटे मोटर अगर चलाते हैं तो आप इस 2 की जगह 3 या 4 लिखकर भी अपना एक महीने का यूनिट कंजप्शन निकाल सकते हैं और आपके जो स्टेट में बिजली का खर्च है उससे इसको गुना करके आपका बिजली का खर्च निकल आएगा एक महीने का। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपका यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने पानी की मोटर का खर्च निकाल सकें। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।